मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार ये सब चीजें आती हैं। अब देखिए ये सब कुछ इंटरनेशनल हो गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो कि गवर्नमेंट भी मिलेट्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है जिसके बड़े सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी बात हो या फिर कैल्शियम इनटेक की बात हो, सबसे पहले दिमाग में नाम आता है मिलेट्स का। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो मिलेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। सिस्टम भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो अगर आप इस फील्ड में अपना कुछ नाम बनाना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। हाय, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल, जहाँ पे हम ढेरों बिजनेस आइडियाज तो डिस्कस करते ही हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो आपको काफी ज्यादा यू नो प्रॉफिट बनाकर दे सकता है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में एंड कैसे आप मिलेट्स को एक्सपोर्ट करके वहां से भी पैसे और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए आज मिलेट के एक्सपोर्ट बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं उस पे क्यूमुलेटिव चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पहला तरीका है मिलेट्स के बिजनेस में, मिलेट्स के एक्सपोर्ट के बिजनेस में खासकर उतरने के लिए, वो है रेडी टू कुक, रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व आइटम्स लाकर। अब इसमें किस किस तरीके के आइटम्स आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अगर आज मैं बात करूँ कुकीज की, जो मार्केट में बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शंस तो हम आए दिन देखते ही रहते हैं, लेकिन अगर रागी कुकीज हो जाएंगी तो कितना हेल्दी हो जाएगा। उपमा, इडली, डोसा के मिक्सेस या फिर रागी नूडल्स हो गए या फिर मिलेट के पैनकेक्स हो गए, और भी बहुत सारे नए तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आप ढूंढ सकते हैं, जो शायद वो रेसिपीज हैं जो कभी हमने अपनी दादी से सुनी होगी या फिर नानी से सुनी होगी, लेकिन अब लोग उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन टाइम आ गया है उन सारी रेसिपीज को रिवाइव करने का। या फिर अगर आपको कोई ऐसी विदेशी डिश पता है जिसमें आप मिलेट्स का तड़का लगा सकते हैं तो भी एक नई रेसिपी वहां से बनाई जा सकती है। कोई ऐसी डिश जो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है लेकिन उसको मिलेट्स से बनाकर हेल्दी भी किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाचोस जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, खाया जाता है, काफी अनहेल्दी और जंक फूड में उसको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूं बेक्ड रागी नाचोस तो ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के प्रोडक्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से पैसे जेनरेट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका बताती हूँ जो आप मिलेट्स के बिजनेस में एक्सपोर्ट में यूज कर सकते हैं, वो है ब्रेकफास्ट ऑप्शन। देखिए इंडिया हो गया या फिर कोई भी दूसरा कंट्री हो गया, बहुत सारे लोग अपने ब्रेकफास्ट को लेके बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हैं, एंड यू नो एक चीज ऐसे हमेशा बोली भी जाती है कि अगर आप घर से खाली पेट निकल रहे हैं तो बाहर भी कभी कभी खाने को कुछ नहीं मिलता है। ब्रेकफास्ट हर किसी के दिन की शुरुआत का जो पहला भोजन होता है, जो पहला खाना होता है, उसके लिए लोग बहुत ही सीरियस होते हैं। अगर मैं मार्केट में करंट सिचुएशन की बात करूं तो वहां पे कौन सीरियल्स मौजूद हैं, ओट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर सीरियल्स में भी आप कुछ नया इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसमें मिलेट बेस्ड जवार के फ्लेक्स हो गया, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू स्टार्ट फ्रॉम। इनफैक्ट यहाँ तो मैं सिर्फ आपको जवार का आइडिया दे रही हूँ, आप चाहे तो किसी और तरीके के मिलेट के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है एक नई रेसिपी बन जाए। एंड क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो पूरे विदेश में जाकर रहने लग गए हैं, वहां पे उन्होंने अपना घर बसा लिया है, तो जितने भी लोग वहां पे फास्ट करते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं, उस बैरियर को भी अगर आप यू नो कवर करना चाहते हैं, तो मिलेट्स का तरीका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप व्रत बेस्ड यू नो खाना वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। मिलेट्स का एक्सपोर्ट देखिए $100 मिलियन तक लाने की कोशिश है गवर्नमेंट की, एंड ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर आप क्रिएट करेंगे तो गवर्नमेंट की काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। एंड इनफैक्ट एक्सपोर्ट मार्केट मिलेट्स का बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। इनफैक्ट ये आइडियाज आपने शायद पहले भी सुने होंगे, कुछ आइडियाज नए भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि दूसरे कंट्रीज में इस वक्त मिलेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप उन कंट्रीज को स्टडी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से देश में किस तरीके के मिलेट्स को ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, एंड उसी के हिसाब से आप किसी एक रेसिपी पे काम कर सकते हैं और एक नया प्रोडक्ट वहां से बना सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने बैंगलोर में काफी ज्यादा लोगों को कंज्यूम करते हुए देखा है वो है भुना हुआ रागी, जिसके अंदर जागरी पाउडर मिक्स होता है, जो एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है। एंड इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है रागी, सो अगेन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। साथ साथ अडल्ट के लिए भी एक बहुत ही नेसेसिटी चीज है, स्पेशली फॉर वुमेन जो 30 क्रॉस करती है, उसके बाद बोन्स जिनके लिए वीक हो जाने लगती है उनको स्पेशली बोला जाता है कि 30 के बाद उनको भुना हुआ रागी कंज्यूम करना चाहिए। तो आप इसी तरीके की पैकेजिंग आप बना सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी रागी बहुत ही बेस्ट तरीका होता है कंज्यूम करने का। मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रही हूँ किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग करेंगे, टोटली आपके ऊपर होने वाला है कि आप उसे एक हेल्थ
से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाकर मार्केट पे बेचना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसकी आइडियोलॉजी रखेंगे, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। इनफैक्ट इसकी रेसिपी जो मैंने यहाँ पे लोगों को फॉलो करते हुए देखा है वो ये है कि वो लोग इसको दूध में मिलाकर खाते हैं, या फिर यू नो इसी तरीके से ही पानी के साथ भी मिक्स करके उसको खा लेते हैं, या फिर सिंपल सिर्फ एक चम्मच रागी का पाउडर ही वो खा लेते हैं। सो बहुत अलग अलग तरीका है खाने का, लेकिन इसीलिए खाया जाता है क्योंकि एक होलसम फूड की तरह हो गया एंड इनफैक्ट अच्छा खासा हेल्थ बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए तो अब बढ़ते हैं फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ जो आप एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं मिलेट्स को, तो वो है फर्मेंटेड इडली बैटर्स। जी हाँ, क्योंकि जो रेगुलर बैटर्स जो इंडियन हाउसहोल्ड्स में यूज किए जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि राइस का यूज किया जाता है या फिर सूजी का यूज किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप उसके अंदर मिलेट्स को ऐड कर दें, और अगर इस तरीके से अगर आप कोई अच्छी सी रेसिपी यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है लोगों को प्रोवाइड करने का। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जिस तरीके से मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, तो हेल्थ बेनिफिट्स उसके बहुत सारे हैं, उसी का प्रचार वो कर रही है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को जब पैकेज करेंगे तो उसका इंटेंशन यही रख सकते हैं कि इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसको कंज्यूम करने के लिए। फिफ्थ और आखिरी प्रोडक्ट है जिसे आप एक्सपोर्ट मार्केट में उतार सकते हो, और वो है रागी मिलेट बार्स या फिर ग्रेनोला बार्स, जिस तरीके से मार्केट में आते हैं, जो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन उन लोगों के लिए भी होता है जो स्पेशली जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, या फिर अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं, अपनी कैलोरीज को हर वक्त काउंट करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट मैंने जब रिसर्च की, मैंने फाइंड आउट किया कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसे एक्सपोर्ट में कैसे उतारना चाहते हो, आप इसे दूसरे कंट्रीज में कैसे टारगेट करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हेल्दी मील्स को लेकर अवेयर होगा, उसको पता है कि मार्केट में इस तरीके की चीजों की वैल्यू क्या है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज द रीजन वो हमेशा बार्स को अपने साथ इंक्लूड करते हैं और अपनी डाइट में भी इंक्लूड करते हैं। देखिए, आई नो वन थिंग कि इंडियन मिलेट से फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, उनकी इनकम में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, एंड इसीलिए शायद गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली मिलेट्स को प्रमोट भी कर रही है, एंड बहुत सारे सपोर्टिंग चीजें भी मौजूद है। बहुत सारे कैफेज ऐसे हैं जहाँ पे रागी से रिलेटेड या फिर ज्वार से रिलेटेड यू नो खाना आपको देखने को मिलेगा। तो मिलेट्स को और भी ज्यादा प्रमोट करने का फायदा ये है कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी यहाँ पे बूस्ट होने वाली है, हमारे देश का जो नाम है वो रोशन होने वाला है, एंड जितनी बड़ी सोच आप रखेंगे उतना ही आगे इस बिजनेस में आप जा सकेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि मिलेट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको और कोई आइडियाज आते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है मिलेट्स से जुड़े हुए बिजनेस को स्टार्ट करने का। इनफैक्ट अगर सिर्फ खाने पीने की चीजों को साइड रखूं, लेकिन पैकेजिंग के लिए भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो भी आप इस मार्केट में उतर सकते हो। सो फ्रीडम आपकी फैमिली से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इनफैक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स को बड़ी पसंद आती है। यहाँ पे हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का तरीका है हमारी ऐप डाउनलोड करके, जिसमें बहुत सारी नॉलेज आपका इंतजार कर रही है। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जो यूट्यूब पे नॉलेज को रिसीव करने के लिए आते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे फ्रीडम ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बिजनेस, फार्मिंग और फाइनेंस से रिलेटेड बड़े सारे कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स देख के या फिर वीडियोस देख के टाइम पास करने से तो बेटर है कि आप कुछ नया सीखें, और उस नई चीज को सीख कर आप अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करें जिससे आपकी फैमिली और आपकी मदद हो सके। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड आई शुड सी यू नेक्स्ट टाइम।